हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको स्क्रैच से पाइथन में एक कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा, और जो बेस्ट पार्ट होगी वो ये है कि वो एक GUI बेस्ड कैलकुलेटर होगा। यू विल गेट अ फुल फ्लेज्ड GUI जिसमें 16 बटन्स होंगे, और उन 16 बटन्स के साथ यूज़र इंटरैक्ट करके कैलकुलेटर को चलाएगा, ठीक है। सो हमने पिछले दो वीडियोस में TK Enter पढ़ा, जो एक लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके आप पाइथन में GUIs बनाते हो। ये उसी सीरीज़ का पार्ट है ये वीडियो, और इसमें हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स UI बना रहे हैं, और पहली बार हम लोग ग्रिड ज्योमेट्री मैनेजर यूज़ करेंगे। अभी तक हमने पैक यूज़ किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे मैं आपको सबसे पहले डेमो दिखाता हूँ कि हमारा कैलकुलेटर कैसे काम करेगा, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे उस कैलकुलेटर को स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, लेट मी फर्स्ट शो यू द डेमो ऑफ द कैलकुलेटर ऐप। मैंने पहले से बना रखा है, और डेमो आपके स्क्रीन पर है। दिस इज द कैलकुलेटर डेमो। दिस इज़ अ वेरी बेसिक कैलकुलेटर ऑनेस्टली। यहाँ पे सिर्फ 4-5 ही फंक्शनैलिटीज़ हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन की फंक्शनैलिटी है। क्लियर कर सकते हो आप स्क्रीन को, बट अगर आप चाहो, अगर आप इस वीडियो को ठीक से देखो, तो आप एक प्रॉपर साइंटिफिक कैलकुलेटर बना सकते हो विथ ऑल द मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है। लेट मी शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन। मान लो हमें ऐड करना है, तो आई कैन प्रेस दीज बटन्स, प्लस 89 इज इक्वल टू 167, ठीक है, क्लियर। 45 माइनस 6 39, 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 135, क्लियर। 41 डिवाइडेड बाय 11 3.73, क्लियर। सो यही चार फंक्शनैलिटीज हम ऐड करेंगे, बट गेस व्हाट, अगर आपने वीडियो सही से देखा तो आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन इसमें डाल सकते हो, साइन, लॉग, कॉस, जो भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हो। इनफैक्ट मेक इट अ असाइनमेंट कि इस वीडियो को देखने के बाद एक प्रॉपर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको बनाना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोड। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक नया फाइल बना लिया है calculator.py, और वहां पे सबसे पहले आई विल इम्पोर्ट फ्रॉम TK Enter इम्पोर्ट ऑल। उसके बाद what I will do is, I will first of all create a basic GUI. ये मैं आपको already बता चुका हूँ पिछले दो videos में. So we'll create an object of TK class and then we will write root.mainloop. That's it. एक बार जब आप इतने कोड को रन करोगे, you would see this. एक basic UI आपको दिखने लगेगा, ठीक है। इस basic UI में कुछ changes कर लेते हैं, मुझे जो टाइटल चाहिए उस पर लिखा होना चाहिए कैलकुलेटर, राइट। ऑल्सो आई वॉन्ट कि इसका जो साइज होगा विंडो का वो फिक्स्ड होगा। मैंने सिंस अभी जस्ट बनाया है, तो आई रिमेम्बर द साइज शुड बी 280x380, ठीक है। And I want this size to be fixed. तो उसके लिए हम लिखेंगे root.resizable 0, 0, मतलब x direction में भी 0 movement, y direction में भी 0 movement. Basically आपका window fixed size का होगा. Let me show it to you. अगर हम इसको run करें, see, you cannot resize it in x direction or y direction because fixed है वो, ठीक है. Next I would change the background color, root.configure background equals black. आप कोई और कलर भी चूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। रन किया, सी दिस इज द विंडो। अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें अपने आप पूरा का पूरा GUI बनाना है। सबसे ऊपर हमारा एक रिजल्ट लेबल होगा जहां पे रिजल्ट डिस्प्ले होगा, और उसके नीचे हम 16 बटन्स का एक एरे, एक ग्रिड बनाएंगे, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा ज्योमेट्री मैनेजर यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था TK Enter में ज्योमेट्री मैनेजर का कॉन्सेप्ट होता है। सो ज्योमेट्री मैनेजर वो बंदा है जिसका काम होता है आपके विंडो के ऊपर आइटम्स को प्लेस करना। ही इज द इंटीरियर डिजाइनर ऑफ योर कोड, ठीक है। वही डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज कहां जाके लगेगी। तो हमने लास्ट वीडियो में
पैक ज्योमेट्री मैनेजर यूज किया था, आज हम लोग ग्रिड यूज करेंगे. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड रिजल्ट लेबल. दिस विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेबल क्लास जो कि रूट पे प्लेस्ड है और फिलहाल इसका टेक्स्ट है लेट्स से जीरो. इसका बैकग्राउंड कलर है ब्लैक और इसका फोरग्राउंड कलर है एज इन इसका फॉन्ट कलर है वाइट. ओके, और हम लिख रहे हैं रिजल्ट लेबल डॉट ग्रिड. इस बार हम ग्रिड को कॉल कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं रो इक्वल टू जीरो कॉमा कॉलम इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जीरो एकदम टॉप लेफ्ट में प्लेस हो जाएगा. लेट मी शो इट टू यू. अगर मैं इसको रन करूं सी एकदम टॉप लेफ्ट में प्लेस हो गया. अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है. तो आई वुड राइट कॉन्फिग फॉन्ट इक्वल्स वर्डाना, ये एक फॉन्ट होता है, 30 इसका साइज होगा और ये बोल्ड होगा. ठीक है, लेट्स रन दिस. सी ऐसा दिखाई दे रहा है. ऑल्सो मुझे ऊपर से थोड़ा नीचे लेके आना है. सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड राइट पैड वाई, ऊपर से लेट्स से मुझे चाहिए है 50 और नीचे से मुझे चाहिए है लेट्स से 25. रन किया, ऐसा दिखाई दे रहा है. ठीक है, थोड़ा गैप ले लिया हमने ऊपर से क्योंकि नीचे बटन हमें प्लेस करने. तो ये हो गया हमारा रिजल्ट, यहीं पे हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा. अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हमारे बटन्स बनाएंगे. तो सबसे पहले हमारा जो बटन आएगा वो होगा बटन 7. बटन 7 विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ बटन क्लास जो कि रूट पे प्लेस्ड होगा. बटन का टेक्स्ट होगा, बटन का टेक्स्ट क्या रखें, 7. और बैकग्राउंड कलर होगा, इस बार कुछ डिफरेंट कलर ट्राई कर रहा हूँ मैं, 00A65A, ये ग्रीन का एक शेड है. फोरग्राउंड कलर होगा लेट्स कीप इट वाइट राइट नाउ. और अब मैं लिखूंगा बटन 7 डॉट ग्रिड और ग्रिड में मुझे बताना है रो कौन सा होगा. रो होगा 1 क्योंकि अब सेकेंड रो में हम लोग आ रहे हैं और कॉलम अभी भी होगा 0 बिकॉज हमें फर्स्ट कॉलम में ही प्रिंट करना है. एक बार इसको रन करते हैं, लेट्स सी कैसा दिखाई दे रहा है. सी ऐसा दिखाई दे रहा है. मुझे क्या चाहिए, मुझे साइज थोड़ा बड़ा करना है इसका. तो आई वुड गो एंड आई वुड टाइप विड्थ, विड्थ कर लेते हैं इसका 5 और हाइट कर लेते हैं 2 और इसको फिर से रन करते हैं. सही है. एक चीज और करते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करते हैं. btn7 डॉट config, config के अंदर फॉन्ट इज इक्वल टू, फिर से हम लिखेंगे वर्डाना और ये हो जाएगा हमारा 14, आई गेस सही रहेगा. रन करते हैं. यस दिस इज फाइन. ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज क्लिकेबल. अब बस मुझे क्या करना है, चीजों को रिपीट करना है 3 और बार सेम रो के लिए. तो आई वुड कॉपी दिस पेस्ट, ये हो जाएगा 8 बटन, यहां पे आ जाएगा 8, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. फिर आएगा 9 वाला बटन, कॉपी बटन 9, यहां भी 9, यहां भी 9 और बाकी सब कुछ सेम रहेगा. और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा बटन ऐड, ऐड वाला बटन. आई विल कॉपी एंड पेस्ट, यहां पे आ जाएगा प्लस और ये रहा हमारा फर्स्ट रो. लेट्स सी कैसा दिखता है.
ओके उसका रीजन ये है, हमने कॉलम्स इंक्रीज नहीं किए. ये कॉलम जीरो है तो ये कॉलम वन होना चाहिए, ये कॉलम टू होना चाहिए, नहीं तो सब कुछ एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा जैसा भी हुआ. ये कॉलम थ्री हो गया. अब रन कर रहे हैं. सी दिस इज आवर यूआई गाइस, ठीक है. अब बस हमें क्या करना है, इस रो को कॉपी पेस्ट करते जाना है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दिस मच, इतना कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ. आई गेस आप समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं हम. और अब यहाँ पे आएगा 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा बटन 4, यहाँ पे हो जाएगा बटन 4, सब कुछ सेम हो जाएगा. रो इस बार हो जाएगा 2, दिस विल बी बटन 5, बटन 5, बटन 5, दिस वुड बी 5, रो हो जाएगा 2, दिस वुड बी बटन 6, 6, 6, एंड दिस वुड बी 2, और ये हो जाएगा बटन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, एंड यहां पे आ जाएगा माइनस, और यहां पे आ जाएगा 2. हमारा सेकेंड रो भी रेडी हो गया. लेट मी शो इट टू यू. सी ऐसा दिखाई दे रहा है. अब हमें बस दो बार कॉपी पेस्ट करना है और चीजों को एडिट करना है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली गो डाउन और यहां पे आई विल पेस्ट इट वन मोर टाइम. यहां पे आ जाएगा 1, 1, 1, 1, ये हो जाएगा कॉलम 3, दिस विल बी 2, 2, 2, 2, कॉलम 3, दिस वुड बी 3, 3, कॉलम 3, दिस वुड बी मल्टीप्लीकेशन, तो आई वुड राइट MUL, 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 यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन और यहां पे 3. फिर से एक बार देख लेते हैं. आई ऑलवेज रिकमेंड आप इंक्रीमेंटली कोड चेंज करके देखा करो, इससे क्या होता है कि गलती होने का चांस रिड्यूस हो जाता है. 3 रोज हो गए, आखिरी रो बचा है. सो आई वुड गो डाउन एंड दिस वुड बी हमारा जो पहला होगा वो होगा क्लियर बटन. क्लियर क्लियर करने से चीजें क्लियर हो जाएंगी स्क्रीन पे जो भी होगा. यहाँ पे लिखा होगा सी, कैपिटल सी, रो हो जाएगा 4. उसके बाद आएगा जीरोथ बटन, 10 डिजिट है हमारे पास. यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा रो 4, ठीक है. उसके बाद हमारा आएगा इक्वल्स बटन, जिसपे क्लिक करने से हमें रिजल्ट दिखाई देगा. सो कॉपी पेस्ट पेस्ट, दिस वुड बी इक्वल टू, दिस वुड बी 4, एंड द लास्ट वन वुड बी डिव, डिवाइड 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 एंड डिवाइड, ठीक है, स्लैश 4. और अब इस कोड को हम रन करेंगे एंड दिस शुड गिव अस द फाइनल GUI. ये रहा गाइस हमारा फाइनल GUI. हमारे पास टोटल मिला के 16 बटन्स हैं और एक रिजल्ट लेबल है जहां पे आप रिजल्ट डिस्प्ले करवाओगे, ठीक है. ये सारे बटन्स क्लिकेबल हैं. ओके अब बस हमें क्या करना है, यहां से इस GUI को फंक्शनैलिटी देना है, ठीक है. फंक्शनैलिटी देने का लॉजिक बहुत सिंपल है. सी हमें करना क्या है, हमारे पास 16 बटन्स हैं और हर बटन के क्लिक पे कुछ करवाना है, ठीक है. तो अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास 16 टोटल बटन्स हैं, बट उसमें टोटल मिला के 4 ही टाइप के बटन्स हैं, 4 टाइप के ही बटन्स हैं. खुद सोचो पहला टाइप क्या है, सारे के सारे डिजिट वाले बटन्स, तो उनकी फंक्शनैलिटी सेम होगी. आप 1 को प्रेस करो या 2 को प्रेस करो, सेम टाइप का ही काम होगा, ठीक है. सेकेंड ग्रुप ऑफ बटन्स आर ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन, ठीक है. थर्ड टाइप ऑफ बटन इज इक्वल टू, ये एक अलग टाइप की फंक्शनैलिटी, एंड द फोर्थ टाइप ऑफ बटन इज क्लियर, ये एक अलग टाइप की फंक्शनैलिटी है, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने डिजिट वाले बटन्स के लिए कोड लिखेंगे कि डिजिट वाले पे क्लिक करने से क्या होगा. खुद सोच के देखो,
मान लो अभी स्क्रीन खाली है और किसी ने 7 टाइप किया, 7 क्लिक किया, तो स्क्रीन पे 7 आ जाना चाहिए, बट उसने 7 के बाद 8 क्लिक किया तो अब 78 आना चाहिए। सो बेसिकली जब भी कोई डिजिट वाला बटन प्रेस होगा, हमें क्या करना है, स्क्रीन पे अभी जो भी है उसके आगे करंट जो भी बटन क्लिक हुआ उसका नंबर डालना है, यही करना है हमें। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एकदम टॉप पे जाकर के एक फंक्शन बना रहा हूं गेट डिजिट बोल के, और इसको एक डिजिट मिलेगा और ये फिलहाल सिर्फ प्रिंट कर देगा उस डिजिट को, इतना सा कोड लिखा हुआ है। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 7 वाले बटन पे जा रहा हूं, और आपको मैंने ये बताया था कि आप कमांड दे करके एक फंक्शन को लिंक कर सकते हो अपने बटन के साथ, तो बटन के क्लिक पे वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा गेट डिजिट एंड वी विल पास द डिजिट, हमारा डिजिट क्या है 7, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 7 क्लिक हुआ इसलिए हमने 7 भेज दिया। सो बेसिकली ये लैम्डा फंक्शन कॉल हो रहा है और ये लैम्डा फंक्शन इंटरनली इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, और इस फंक्शन को कॉल करने से ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेट मी शो इट टू यू। सो अगर मैं इस कोड को रन करूं, यहां पे देखो जैसे मैं 7 पे क्लिक कर रहा हूं, देखो यहां पे 7 आ जा रहा है, मैं फिर से क्लिक कर रहा हूं 7 7 7, तो हमने फंक्शन को लिंक कर दिया। अब हमें क्या करना है, जैसे कोई 7 को क्लिक करे इस 0 को हमें रिप्लेस कर देना है विद 7, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मेरे जो रिजल्ट लेबल है उसका डिफॉल्ट वैल्यू आई वुड मेक एम्प्टी स्ट्रिंग, वहां पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब शुरू में जब कैलकुलेटर ओपन होगा वहां पे 0 नहीं लिखा होगा, कुछ भी खाली होगा वो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेच करेंगे कि स्क्रीन पे अभी क्या है, तो वो फेच करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप लिखोगे रिजल्ट लेबल, जहां पे रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है उसका टेक्स्ट एट्रीब्यूट यही है करेंटली स्क्रीन पे, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जोड़ना है जो भी बटन प्रेस हुआ, तो मैं लिखूंगा न्यू इज इक्वल टू करेंट जो अभी स्क्रीन पे है प्लस str ऑफ डिजिट, जो भी मुझे यहां से मिला, जो भी बटन प्रेस हुआ वो डिजिट मुझे मिला उसको मैंने जोड़ दिया करेंट में, और अब मुझे इसी चीज को वापस स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो स्क्रीन पे वापस डिस्प्ले करने के लिए आप लिखोगे रिजल्ट लेबल डॉट कॉन्फिग एंड टेक्स्ट पैरामीटर का वैल्यू हो जाएगा न्यू, दैट्स द कोड गाइस, लेट मी शो इट टू यू। अगर आप इस कोड को रन करूं मैं, देखो स्क्रीन पे अभी कुछ भी नहीं है, बट मैं जैसे ही 7 पे क्लिक कर रहा हूं, देखो 7 वहां पे आ जा रहा है। अगर मैं फिर से 7 क्लिक करूं तो इस बार 77 आएगा, बिकॉज स्क्रीन पे ऑलरेडी 7 है, उसमें 7 जुड़ जाएगा, ये देखो सी। अब आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, सो ये हमारा यूआई पट रहा है, क्योंकि हमने ग्रिड को इस तरीके से बनाया है कि हमारा रिजल्ट लेबल एक सिंगल ग्रिड में है, और वो जैसे ही बड़ा हो रहा है तो नीचे वाला सारा ग्रिड भी गड़बड़ा रहा है। तो इससे बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे जाना है और रिजल्ट लेबल में यहां पर आपको बस बता देना है कि कॉलम स्पैन कितना रहेगा, लेट्स से 5, तो बेसिकली हमारा रिजल्ट लेबल का कॉलम स्पैन 5 है। अब देखो ये नहीं फटेगा, लेट मी शो इट टू यू, रन कर रहा हूं मैं फिर से, ये देखो बस एक प्रॉब्लम है कि सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, मुझे लेफ्ट से स्टार्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड करूंगा स्टिकी इक्वल टू वेस्ट, वेस्ट साइड से स्टार्ट होगा एज इन लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। इसको रन करते हैं फिर से, ये देखो अब आप कितना भी ऐड करते जाओ वो नहीं फटेगा, ठीक है। सो 7 के लिए तो फंक्शनैलिटी हो गई, अब इस सेम फंक्शनैलिटी को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और बाकी के 9 डिजिट्स में पेस्ट कर दूंगा। ये देखो बटन 8 के लिए ये हो जाएगा, बस अंदर हम 7 के बदले क्या भेज देंगे 8, फिर यहां पे 9 हो जाएगा, फिर हम नीचे जाएंगे यहां पे 4 हो जाएगा, यहां पे 5 हो जाएगा, यहां पे 6 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, बस एक 0 बच गया, यहां पे जाएंगे पेस्ट करेंगे और यहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब इस कोड को फिर से रन कर रहा हूं मैं,
देख लेते हैं एक बार। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 करने से थोड़ा सा यूआई में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको फिगर आउट करने का कोड लिखना पड़ेगा कि या तो आप कॉलम स्पैन और बढ़ा सकते हो, कॉलम स्पैन और बढ़ाओगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इट्स अप टू यू, मतलब देख लो आप। सो जो भी है, हमारे एक सेट ऑफ बटन सब काम कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बटन के ऊपर फोकस करेंगे, वो है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड स्लैश। अच्छा, उसके पहले हम लोग क्लियर का कोड लिख लेते हैं। क्लियर का कोड बहुत सिंपल है। क्लियर का मतलब क्या है कि स्क्रीन पे जो भी है उसको खाली कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एकदम टॉप पे जा रहा हूँ और एक नया फंक्शन बना रहा हूँ क्लियर बोल के। और क्लियर का काम बहुत सिंपल है, आपको बस रिजल्ट लेबल को पकड़ना है, कॉन्फिग में घुसना है और उसके टेक्स्ट को एम्प्टी स्ट्रिंग से सेट कर देना है। दैट्स इट, इतना ही करना है। और नीचे जाके आपको अब क्या करना है, ये जो आपने क्लियर फंक्शनैलिटी बनाई थी वहां पे आप लिखोगे कमांड लैम्डा क्लियर। और अब इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे देख लो एक बार, 789 क्लियर, 1, 2, 3 क्लियर काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग मूव करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन से। सो देखो होगा क्या, पूरा फ्लो इमेजिन करो। यूजर आएगा, मान लो उसको एडिशन करना है तो वो लिखेगा 78। अब इस पॉइंट पे वो प्लस को प्रेस करेगा और फिर जैसे ही प्लस को प्रेस करेगा फिर वो दूसरे नंबर को इंसर्ट करेगा कि उसको ये नंबर के साथ उसको ऐड करना है। तो देखो प्लस के क्लिक पे हमें तीन काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि स्क्रीन पे अभी जो नंबर है उसको कहीं पे सेव करना है, राइट। दूसरा काम क्या करना है, स्क्रीन को खाली कर देना है सो दैट अगला नंबर टाइप हो। और फिर तीसरा काम क्या है कि जो भी ऑपरेटर क्लिक हुआ है, प्लस क्लिक हुआ है, तो हम उसको सेव करेंगे सो दैट फ्यूचर में जाकर के हम उस ऑपरेटर को यूज कर पाए जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसके लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले एकदम टॉप पे जा रहा हूँ और यहाँ पे तीन वेरिएबल्स बना रहा हूँ, फर्स्ट नंबर कॉमा या फिर सेकंड नंबर ऑपरेटर। ये तीनों का वैल्यू मैं नन से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, बेसिकली फिलहाल कोड में रखने के लिए मैंने इसको नन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ गेट ऑपरेटर, ठीक है। इसको एक ऑपरेटर वैल्यू मिलेगा, तो ये तीन काम करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा, स्क्रीन पे अभी जो नंबर है उसको उठा के फर्स्ट नंबर में स्टोर करेगा। तो आई वुड राइट ग्लोबल फर्स्ट नंबर कॉमा ऑपरेटर। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं लूंगा रिजल्ट लेबल को और उसके टेक्स्ट को पकड़ूंगा जो भी स्क्रीन पे अभी है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा और उसको फर्स्ट नंबर में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। सो स्क्रीन पे जो भी है उसको फर्स्ट नंबर में मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद में क्या करूंगा, ऑपरेटर के अंदर जो भी ऑपरेटर मुझे भेजा जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन उसको स्टोर कर लूंगा। और थर्ड काम में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रिजल्ट लेबल डॉट कॉन्फिग टेक्स्ट इक्वल्स एम्प्टी, खाली कर दूंगा स्क्रीन को, ठीक है। और अब मुझे बस क्या करना है, नीचे जाना है और जहां जहां मेरे ऑपरेटर्स हैं वहां पे मुझे बस कॉल कर देना है फंक्शन को लाइक दिस, लैम्डा कोलोन गेट ऑपरेटर। और सिंस ये प्लस है यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, प्लस भेजेंगे हम। सो मैं कॉपी कर रहा हूँ इतने कोड को और ये सब का कोड है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का कोड है यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और लास्ट में ये डिव का कोड है यहाँ पे डिव आ जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि यहाँ तक का काम हो रहा है कि नहीं। 78 प्लस, जैसे ही प्लस कर रहे हैं हट जा रहा है स्क्रीन से, तो इतना समझ में आ रहा है कि हमारा कोड काम कर रहा है, ठीक है। अब बस लास्ट बटन की फंक्शनैलिटी बची। इसके बाद यूजर ने लेट से 45 किया और अब वो जैसे ही इक्वल टू करेगा तो उसके एक्सप्रेशन का उसको रिजल्ट हमें दिखाना है। तो बस एक लास्ट फंक्शन अब हमें बनाना है जिसका नाम होगा
गेट रिजल्ट। ठीक है, देखो पूरा फ्लो इमेजिन करो क्या होने वाला है। यूजर ने 78 टाइप किया, प्लस पे क्लिक किया, फिर से 78 टाइप किया, और अब इक्वल टू पे जब क्लिक करेगा तो क्या करना है हमें? बहुत सिंपल है, सबसे पहले स्क्रीन पे अभी जो है वो हमारा सेकंड नंबर है, उसको उठा के सेकंड नंबर में हम स्टोर करेंगे, और फिर अब मेरे पास फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर में ऑपरेटर भी है, हम उन तीनों को मिला करके आउटपुट देंगे। ठीक है, सो देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले आई वुड राइट ग्लोबल फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर कॉमा ऑपरेटर, ये तीनों चीजें आ गई। अब सबसे पहले सेकंड नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजल्ट लेबल के टेक्स्ट के अंदर अभी जो भी है, ये मेरा सेकंड नंबर का वैल्यू है। ठीक है, अब मेरे पास फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऑपरेटर तीनों का वैल्यू आ चुका है। मैं लिखूंगा इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस, तो मुझे स्क्रीन पे क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एडिशन। तो आई वुड राइट रिजल्ट लेबल डॉट कॉन्फिग के अंदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या जाएगा, स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ये रहा मेरा कोड। एलिफ ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस, देन व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल कॉपी एंड आई विल पेस्ट, बस यहां पे प्लस के बदले क्या आ जाएगा, माइनस। उसके बाद आएगा एलिफ ऑपरेटर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, एंड द लास्ट केस वुड बी एल्स, डिविजन का केस है। इसमें भी आप चेक कर लो, इफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ऑल्सो एक चीज, यहाँ पे कोड फटेगा अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर। अगर सेकेंड नंबर जीरो है तो हम लिखेंगे रिजल्ट लेबल डॉट कॉन्फिग टेक्स्ट एरर, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, और एल्स में हम ये कर देंगे स्लैश, एंड दैट्स द कोड गाइस। ठीक है, एक बार इसको रन कर रहा हूं मैं, लेट्स चेक ऑल द केसेस। लेट्स फर्स्ट ऐड 78 + 8। ओहो, एक लास्ट काम तो किया ही नहीं हमने, नीचे जाके इक्वल टू वाला जो है वहां पे हमें लिंक करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे कमांड, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो क्योंकि कुछ पैरामीटर पास नहीं करना है, तो लैम्डा कॉल करने की जरूरत नहीं है। वी वुड सिंपली कॉल गेट रिजल्ट विदाउट कॉलिंग इट, वो कॉलिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। 78 + 9 = 87, क्लियर। 45 - 76 - 31, क्लियर। 45 × 32 1440, 41/0, एरर, क्लियर। 41/11, ओके। हाँ, इस चीज से बचने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे आओ और जब आप डिवीजन कर रहे हो तो डिवीजन करने के प्रोसेस में राउंड ऑफ कर दो, तो कोड नहीं फटेगा लाइक दिस। लेट मी रन दिस कोड वन मोर टाइम। 41/11, 3.73, हमने दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। ठीक है, सो ये रहा गाइस एक बेसिक कैलकुलेटर। आई नो इसमें भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज नहीं है, बट द एंड गोल वॉज नॉट टू मेक अ फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट बट टू टीच यू हाउ टू मेक GUIs यूजिंग Python। अब आपका होमवर्क है, आपका असाइनमेंट है कि आप इसको एक बहुत बढ़िया कैलकुलेटर में कन्वर्ट करो, एक हफ्ते का टाइम लो, बट सारी फंक्शनैलिटीज ऐड करो। ठीक है, मजा आएगा। सो दैट वाज द वीडियो गाइस, आई होप आपको पसंद आया। आई वुड एडवाइस कि आप कुछ और GUIs ट्राई करो, बहुत सारे और ऐप्स आप यूज करते हो, उनमें से किसी चीज के ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।